टीम इंडिया इंग्लैंड में रचेगी इतिहास। अब पांचवें टेस्ट मैच में जीतेगा इंडिया। दूर हुआ टीम इंडिया का सबसे बड़ा डर। अब टीम इंडिया लेगी इंग्लैंड की खबर। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले महीने के पहले ही हफ्ते में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। भारतीय टीम ये मैच जीतकर इतिहास रच सकती है। आपको बता दें कि इस सीरीज के पहले चार मैच के बाद टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। टीम इंडिया के लिए आई बड़ी खुशखबरी। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। ये खबर इतनी बड़ी है कि भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चलिए आपको बताते हैं किस वजह से इस मुकाबले से बाहर हो सकते हैं बेन स्टोक्स। इस वजह से बेन स्टोक्स नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड की मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेन स्टोक्स की तबीयत खराब है और इसी की वजह से वो कुछ दिनों के बाद शुरू हो रहे आखिरी मुकाबले से बाहर रह सकते हैं। हालांकि इस बात की कोई खबर नहीं है कि बेन स्टोक्स को कोरोना वायरस हुआ है या नहीं। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले आखिरी टेस्ट मैच से भी बेन स्टोक्स बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया आराम से ये सीरीज फतह कर सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों में स्टोक्स से बेहतर ऑलराउंडर वर्ल्ड क्रिकेट ने नहीं देखा है। बेन स्टोक्स पर तो सस्पेंस बना ही हुआ है। इसके अलावा इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी भारत के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच से बाहर रह सकते हैं, क्योंकि जेम्स एंडरसन के टखने में चोट लग गई थी और उनका टखना सूजा हुआ है। और अगर जेम्स एंडरसन भारत के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच तक फिट नहीं हो पाते हैं तो फिर वो भी इस टेस्ट मैच से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में बेन स्टोक्स और जेम्स एंडरसन के बाहर होने से टीम इंडिया की जीत की राह आसान हो सकती है। तो दोस्तों, है ना ये बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा इस सीरीज की बात करें तो टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे है और टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रच सकती है। चलिए आपको बता दें कि कैसे टीम इंडिया रच सकती है इस मुकाबले में इतिहास। 2-1 से आगे है टीम इंडिया। इस सीरीज की बात करें तो इस वक्त टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। ये सीरीज 2021 में खेली जानी थी, लेकिन पांचवें टेस्ट मैच से ठीक पहले टीम इंडिया में कोरोना की एंट्री हो गई और कोरोना की इस एंट्री के बाद कई खिलाड़ियों समेत सपोर्ट स्टाफ के कई लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा मुकाबला 1 साल के लिए टाल दिया गया। और अब टीम इंडिया की नजरें इस सीरीज को जीतने पर हैं और इस सीरीज का पांचवा मैच 1 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा। और 2007 के बाद टीम इंडिया के पास ये सुनहरा मौका है इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का, क्योंकि टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। अगर ये टेस्ट मैच भारतीय टीम ड्रॉ कराने में भी सफल रहती है तो 2007 के बाद यानी कि लगभग 15 साल के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतकर इतिहास रच सकती है। तो दोस्तों, है ना ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर। अगर इंग्लैंड के दो दो दिग्गज यानी कि बेन स्टोक्स और जेम्स एंडरसन नहीं खेलेंगे तो ये टीम इंडिया के लिए है ना बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस सीरीज को जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया 2007 के बाद इंग्लैंड की धरती पर इतिहास रच पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।